आसमान में ये बादल आपने देखे, कुछ देर पहले ये बरस भी रहे थे, हालांकि कुछ बूंदे अभी भी मेरे ऊपर जो है वो आकर गिर रही हैं। तो आपको बता दूं कि राजधानी रांची में जो है वो थोड़ी देर पहले अच्छी खासी बारिश हुई है और तेज हवा भी चल रही थी, तो इन सब से मौसम जो है वो थोड़ा सुहाना हुआ है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि गर्मी जो है वो बहुत ज्यादा पड़ रही है, हमारे रिपोर्टर्स जब आते हैं खबरें करके बाहर से तो वो अक्सर अपनी गर्मी की बात बताते हैं कि किस मुसीबत में उन्हें रिपोर्टिंग करनी पड़ रही है। तो ठीक हमारे रिपोर्टर ही नहीं, और भी जो बहुत सारे लोग हैं जिन्हें की धूप में निकलना पड़ता है और काम करना पड़ता है, उनके लिए बड़ी मुश्किल हो रही है। और रांची में हालांकि पहले यह ट्रेंड हुआ करता था कि दिन में गर्मी हो तो शाम तक बारिश हो जाती थी, वो शायद कहीं छूट गया है, वो देखने को इन दिनों नहीं मिला। लेकिन आज की अगर हम बात करें और अभी की अगर हम बात करें तो बारिश हुई है और ठीक ठाक बारिश हुई है। और आपको बता दूं कि हवा भी तेज चल रही थी, तो इससे मौसम जो है वो थोड़ा सुहाना हुआ है, थोड़ा सा ठंडा हुआ है, और आप कह सकते हैं कि थोड़ी राहत तो अवश्य मिली है। और अगर मैं कहूं इसमें खुश होने वाली बात तो है, क्योंकि जिस तरह की गर्मी पड़ रही है और उस पर ये एक बात हो जा रही थी कि बिजली की जो स्थिति थी शहर में वो एक अलग समस्या थी, और जब इतनी गर्मी हो और बिजली ना मिल रही हो तो क्या परेशानी होती है, ये हम और आप सभी सहज ही जानते हैं। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो ये है कि अभी तो बारिश नहीं हो रही है, कुछ देर पहले बारिश हो रही थी और तेज हवाएं भी चली हैं, और इसके बाद जो है मौसम सुहाना हो गया है। अगर हम अपने रिपोर्टर से बात करें जो कि अगर दिन में जाते हैं, फिलहाल जो है अगर हम उनसे बातचीत करें और पूछें, नीरज है हमारे साथ। नीरज, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो दिन भर जो गर्मी होती है, आज भी बहुत सारी खबरें थी, धूप में आप लोग थे, ये मौसम है, कितना रिलीफ महसूस कर रहे हैं? देखिए, रिलीफ तो बिल्कुल रहता है, क्योंकि दिन भर हमें राजधानी रांची के सड़कों पर गुजरना पड़ता है खबरों के लेकर, यहाँ से वहाँ भागा दौड़ी का पूरा मोमेंट रहता है। ऐसे में अगर मौसम बदल जाए तो काफ़ी राहत भरी होती है, क्योंकि आप देखेंगे सड़कों पर तो लोग चेहरों में जो है कोई मास्क लगाया हुआ है, कोई रुमाल से चेहरा को बांधा हुआ, या फिर फुल हेलमेट पहनकर चलते हैं ताकि गर्मी से बचा जा सके, जो धूप जो लू वाली जो हवाएं चलती हैं उससे बचा जा सके, ताकि उन्हें किस प्रकार की समस्या ना हो। तो ऐसे में अगर मौसम लगातार इस तरह से बदला जाए, अगर बदलता रहे तो काफ़ी राहत मिलेगी और हमें भी काफ़ी राहत मिलेगी, हम भी जो है खबरों को अच्छे तरीके से पेश कर पाएंगे, और जिस जगह पे तरीके से अगर पहुंचना जो सही समय से तो धूप कम रहेगी तो हम भी पहुंच पाएंगे। तो नीरज कह रहे हैं कि मौसम जो है इसी तरह का रहे ताकि इन्हें राहत मिले, बारिश बीच बीच में होती रहनी चाहिए। हालांकि हमारे कुछ साथी जो अब ऑफिस से निकलने की तैयारी में थे कुछ देर पहले, जो कि अब थोड़ी देर हो गई उन्हें राहत नहीं मिली है, क्योंकि उनका जो टाइमिंग था वो ख़त्म हो चुका था और अब उन्हें जाना था, लेकिन बारिश की वजह से वो निकल नहीं सके। लेकिन इसके बावजूद वो भी खुश हैं, सभी खुश हैं, और आप कह सकते हैं कि इस तरह के मौसम से का इंतज़ार सभी को था। और जो तापमान में थोड़ी बहुत गिरावट आप महसूस कर सकते हैं अभी अगर आप बाहर में हो और हवा जो चल रही हो, और जब मैं ये बात कर रहा हूँ मैं आपको बता दूँ कि बारिश की बूंदें एक बार फिर से गिरनी जो है वो शुरू हो गई हैं, धीरे धीरे ये तेज़ ना हो जाए, और इससे पहले कि तेज़ हो जाए हम आपसे अनुमति चाहेंगे। लेकिन आपके लिए सूचना ये है कि रांची का जो मौसम है उसने थोड़ी सी राहत बरती है और थोड़ा सा रहम किया है, कि अगर मैं कह लूँ तो, कि जो थोड़ी बहुत बारिश अभी तक हुई है उससे तापमान नीचे गिरा है, और आप कह सकते हैं कि वातावरण सुहाना हुआ है, बारिश एक बार फिर से शुरू हो रही है। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।